क्या आप भी पैन कार्ड बनवाने के लिए तैयार हैं और आपका पैन कार्ड नहीं बन रहा है क्योंकि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पैन कार्ड नहीं बनेगा। मैं आपको इस वीडियो में यही तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके पास आधार नहीं है तो भी आप बिना आधार OTP के आप किस तरीके से पैन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सुभाष, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा किस तरीके से बिना आधार OTP के आप किस तरीके से पैन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेरे आस पड़ोस में कई सारे ऐसे लोग हैं और मेरे फ्रेंड भी है जो बोल रहा था कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या मैं पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या नहीं। तो मैं उनसे बोला कि भैया, मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बता दूंगा, जो वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही इजी तरीके से आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से बहुत ही इजी तरीके से बिना आधार OTP के आप जो है पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे पास कई सारा कमेंट भी आया हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है कि सर, बिना आधार OTP के क्या मैं पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी कमेंट किए हुए हैं, वो सब के लिए ये वीडियो है। और जो भी मेरे व्यूअर्स नहीं है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद वो जितने यूजर्स है बहुत ही इजी तरीके से बिना आधार OTP के आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, बिना साइबर कैफे में जाए, बिना दुकान में जाए। तो आप घर बैठे आप बिना आधार OTP के किस तरीके से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, ये सब देखने के लिए इस वीडियो को तो भैया आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सीखेंगे कि किस तरीके से बिना आधार OTP के पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे बिना आधार OTP के पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. और OTP के लिए आपको इस पेज पर आना होगा, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ पे एक क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आके ओपन हो जाइएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड पे उस पर आपको ओके करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। डिजिटल मोड के लिए आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें आपको जो है आधार कार्ड वाला आपको जो फ़ोटो आएगा और आपका सिग्नेचर इसमें नहीं आते हैं, लेकिन इसमें आपको डॉक्यूमेंट कहीं भी जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि फिजिकल मोड में जो भी एप्लीकेशन पे फ़ोटो और सिग्नेचर आप करेंगे वही आपके पैन कार्ड पे आएंगे, लेकिन आपको एप्लीकेशन किसी UTI के ऑफिस पर आपको जमा करनी पड़ेंगे। अपने आसपास के UTI ऑफिस को देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे आप UTI के ऑफिस जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन इनमें से किसी भी जो है एड्रेस इस पर जाके आपको जमा करनी होगी। अगर आप चाहे तो बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं, जैसे इसका एड्रेस यहाँ पर दे रखा है, इस एड्रेस पर आप बाय पोस्ट भी जमा कर सकते हैं। यहाँ मोर पे ओके करके और भी बहुत सारे UTI ऑफिस देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी आपको जहाँ भी आपको देखना चले, जैसे मैं हमको न्यू दिल्ली में देखना है तो हम दिल्ली वाले पे क्लिक करेंगे। आप देख लीजिए दिल्ली के जितने ऑफिस है UTI का, ये पूरे आ गया है ओपन होके। तो अगर आप इसमें कहीं पर है तो यह पूरा एड्रेस यहाँ पर दे रखा है, तो इस एड्रेस पर जाके आप बहुत ही आसानी से जो भी आपका फॉर्म है वहाँ पर जाके जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जहाँ भी है तो वहाँ पर UTI जो एड्रेस है इस पर जाके बहुत ही आसानी से आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं या आप बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिजिकल मोड सेलेक्ट करेंगे जो पहले से ही है, इसमें आधार OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम इसमें सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल, तो आप भी इस तरह से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पैन कार्ड मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपको डिजिटल पैन कार्ड ही सिर्फ चाहिए तो आपको सिर्फ ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपको डिजिटल और फिजिकल दोनों पैन कार्ड चाहिए तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बोथ पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे डिजिटल पैन कार्ड आ जाएगा और आपके एड्रेस पे फिजिकल पैन कार्ड आ जाएगा। इसके बाद सिंपली हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे।
आपका रेफरेंस नंबर कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको सेव करके रख लीजिए। इसके बाद सिंपली हम कॉपी करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपको पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम टाइटल चूज करेंगे, कुमारी, श्री, श्रीमती जो भी है, तो यहाँ पर हम इस तरह से चूज कर लेंगे। इसको आप अपने यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर मिडिल और लास्ट नेम है तो सो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि नेम ऑन का आधार कार्ड, कार्ड पर जो भी नाम है तो वो आपको, पैन कार्ड पर जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। अगर आप किसी दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं तो यहाँ पर सिंपली यस करेंगे, अगर नहीं जाने जाते हैं तो यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, तो यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। तो सिंपली आप यहाँ कैलेंडर आ गया, कैलेंडर से जाके यहाँ से आप बहुत ही आसानी से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, ऑफिस वाला रखना चाहते हैं या रेजिडेंटल, चलिए हम रेजिडेंटल चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको रेजिडेंस स्टेट चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो वह स्टेट आपको चूज करने कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑफिस स्टेट का जो भी ऑफिस का स्टेट है तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इनरोलमेंट नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड पर जो यहाँ पे फिर दोबारा से आपको जो आधार नंबर हुआ यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। टाइपिंग करने के बाद यहाँ सिंपली ओके, यहाँ पे आपको आधार पर जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ कर देना है आपको नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल देनी होगी। जैसे मैं यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ मैं चूज कर लेता हूँ। देखिए जैसे अब बहुत सारा है, आर्म लाइसेंस, बैंक सर्टिफिकेट, तो आपको जो भी हो उसमें से चूज कर लीजिएगा। चलिए हम अपना आधार चूज कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार प्रूफ के लिए एड्रेस के लिए मांग रहा है कि आप कौन सा आधार प्रूफ के लिए देना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर हम आधार कार्ड ही चूज कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम आधार ही चूज कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे ISD कोड करना सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मेरा ऑलरेडी पहले इंडिया सेलेक्ट है तो ये मैं इंडिया ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एरिया का कोड आपको डाल देना है, STD कोड जो भी है वहाँ पर डाल देना है। टेलीफोन नंबर आपके पास हो वो डालना है, और ईमेल आईडी है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे उसी ईमेल आईडी पे आपको डिजिटल पैन कार्ड आपको सेंड किया जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि पेरेंट डिटेल देने के लिए, अगर आपको पैन कार्ड पर सिर्फ मदर का नेम चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पे आपको नो कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ देख रहे हैं कि आपका लास्ट नेम और श्योर नेम, यहाँ फर्स्ट नेम आपका आ चुका है, अगर मिडिल नेम कोई है तो यहाँ आपको डाल देना है। इसके बाद बोल रहा है यहाँ पे आपको मदर नेम के डालने के लिए, तो आपको जो भी मदर नेम है उसका लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है तो आप यहाँ डाल देना है। यहाँ देख रहे हैं कि फादर का डिटेल आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, तो जो भी आपका फादर का डिटेल तो ये यहाँ से आप चूज कर लेंगे। डालने के बाद सिंपली आपको कर देना है यहाँ नेक्स्ट, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपली आपको कर देना है नेक्स्ट। इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल देनी होगी, यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी हो तो आपको यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको डाल देना है कि नेम ऑफ बिल्डिंग, विलेज, गांव का नाम यहाँ डाल देना है, रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस जो भी है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देखेंगे एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीजन, तो जो है आपको यहाँ पर अपना एरिया जो भी जहाँ गाँव से है तो जो भी है शहर से तो वो डालना है। यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो तो वो आपको यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ देखिए ऑलरेडी बिहार यहाँ पर आ चुका है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिहार में आपका इंडिया आ चुका है, ये इसी तरह रहेगा। यहाँ देख रहे हैं कि ऑफिस एड्रेस में आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस हो तो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ फ्लैट, ब्लॉक नंबर आपको डालना है, यहाँ पंचायत, विलेज का नाम डालना है, स्ट्रेट, रोड, एरिया, पोस्ट ऑफिस का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है, यहाँ एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीज़न, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट फिर से आपको यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट से तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको बिहार में मधुबनी है, बिहार यहाँ पर आ चुका है, इंडिया आपको यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आपको पिन कोड जो भी पिन है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम आपको कौन से इनकम आ रहे हैं, जैसे सैलरी है, कैपिटल गेन है, आर यू इंजीनियरमेंट बिजनेस। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फॉर अदर सोर्स या नो इनकम, तो जो भी है तो यहाँ पर हमको सिंपली आपको टिक कर देना है कि नो इनकम। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि अदर डिटेल में यहाँ पर आपको ए कोड देना पड़ेगा, तो गेट ए कोड पर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली आपको ए कोड आ जाएंगे। अगर आपके सामने नहीं आती है तो आप यहाँ फाइंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नॉन इंटरनेशनल टैक्सिन।
इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिटी की एक लेटर सेलेक्ट करना। चलिए मैं अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके सामने इस तरह से सिटी की एक लिस्ट आ जाएगी। आपका सिटी जहाँ भी है तो उसमें से आपको इसमें से चूज कर लेना है। जैसे मेरा ये है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिटी सेलेक्ट करते हैं, लिखते हैं लोकेशन, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर, आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप कॉपी करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वरना ये ऑटोमेटिक भी आ जाता है, बस आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर इस तरीके से फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है हिमसेव हेल्प सर्फ। इसको यहाँ देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन प्लेस डालेंगे, जिसमें अपना सिटी का नाम डालेंगे यहाँ पे। इसको सिंपली अब यहाँ कर देना आपको नेक्स्ट। अगर आपने डिजिटल मोड सेलेक्ट किए हुआ तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये ओपन होके आ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड डालना पड़ेगा, यहाँ एड्रेस प्रूफ आपको डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपका, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन जबकि हम फिजिकल मोड सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पर हमको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपली यहाँ सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। पेमेंट करने के यहाँ दो ऑप्शन है, पेयू या यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा जो ऑप्शन है, और दूसरा जो यहाँ पर है बिल डेस्क के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। चलिए हम बिल डेस्क ओके करते हैं, यहाँ सिंपली कम करते हैं कन्फर्म पेमेंट पर ओके। तो पेमेंट यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस पी ए टी एम पिन, यहाँ इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना, डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ एक्सपायरी मंथ ईयर और सी सी वी जो पीछे साइड का होता है वो डालेंगे। यहाँ देख रहे हैं 107 रुपये आपको कट होंगे आपके अकाउंट से। और यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर का नेम है, जो बैंक में नेम है, वो आपको यहाँ पर डालना है और सिंपली आपको कर देना है मेक पेमेंट पर ओके। तो पेमेंट करते ही कुछ इस तरीके से यह आपका जो है सक्सेसफुल आके ये फॉर्म आपका इसमें ओपन हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आप इसमें जो आपका एरिया कोड है वो इसमें रहेगा, जो मैं पहले दिखा दिया डाउनलोड करके। इसके बाद यहाँ एओ कोड टाइप रहेगा, रेंज रहेगा और एओ नंबर रहेगा, जो पेमेंट करने के बाद आप देखिएगा। तो इसके बाद आपको एक फ़ोटो यहाँ पर देना है और एक फ़ोटो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको एक सिग्नेचर करना है, वही फ़ोटो आप यहाँ पर लगाएंगे जो आपको पैन कार्ड पर चाहिए। इसको प्रिंट आउट निकाल के जो भी आसपास में देखिएगा, कहीं आप आपका प्रिंटर है तो वहाँ पर जाने के बाद इस प्रिंट आउट निकाल के मन पसंदीदा जो भी आपका पसंद वाला फोटो हो वो आपको यहाँ पर लगाना है, और एक यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर इसमें आपको एक तो यहाँ चाहिए और एक यहाँ सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर वैसा हो जो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्रॉस फोटो को क्रॉस करता हुआ सिग्नेचर होना चाहिए आपका। जो भी सिग्नेचर और फोटो आप यहां पे लगाएंगे वही आपके पैन कार्ड में आएंगे। अगर आप सिग्नेचर नहीं लगाते हैं तो आप यहां पे अंगूठा भी लगा सकते हैं, जो है अपने बायां हाथ का जो थंब का है अंगूठा, वो बायां हाथ का अंगूठा का यहां पे होना चाहिए। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा एक बॉक्स मिल जाएगा, इसमें एक सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना होगा। इसके साथ आपको अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी लगानी होगी। इसके बाद आप इसको यूटीआई के किसी भी एड्रेस पे जाके जमा भी कर सकते हैं या बाय पोस्ट इसको सेंड भी कर सकते हैं। बाय पोस्ट भेजने के लिए आप एक लिफाफा परचेज करेंगे, जो भी आपको अगल बगल में जो शॉप होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली किसी भी यूटीआई का एड्रेस डालेंगे, जैसे यहाँ पर देख रखे एड्रेस दे रखा है, तो ये एड्रेस को यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना लिफाफे पे और इसको आपको सेंड कर देना है, या बाय पोस्ट भी आप जाके किसी भी यूटीआई के जो एड्रेस है उस पर आप जाके सिंपली इसको जमा कर सकते हैं। या तो आप इनमें से किसी ऑफिस का एड्रेस आप यहाँ पर सिंपली डाल सकते हैं, या सिंपली यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं बता दिया हूँ पहले कि आपको अब अपना स्टेट चूज कर लेना, जहाँ से भी हो आप वहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है। और स्टेट चूज करने के बाद आप सिंपली आपको इसमें आपका जो जहाँ से भी तो वो स्टेट चूज कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ से हैं, और उस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा ये एड्रेस। आपको इस एड्रेस पर आपको बहुत ही आसानी से अपने लिफाफे के ऊपर लिख देना है, तो बाय पोस्ट जाकर जमा भी कर सकते हैं एड्रेस पे, या इसको बाय पोस्ट भी भेज भी सकते हैं सेंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जमा करने के बाद यूटीआई के एड्रेस पे आपको एक हफ्ते के बाद आपको डिजिटल पैन कार्ड मिल जाएगा। आपको एक ईमेल मिलेगा, अपने मेल आईडी में देखिएगा और इसमें एक पीडीएफ आपको मिलेगा, तो जो भी मेल पे रहेगा वही है आपका डिजिटल पैन कार्ड। तो आप जो मेल आईडी में ओपन कीजिएगा, तो ओपन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि आपका जो जन्म तिथि है वो आपको डालना पड़ेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि डालिएगा,
मेल आईडी में ओपन कीजिएगा तो इसको तो बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से ये ओपन हो जाएगा। इसको तो आप बहुत ही आसानी से आपको बार कोड, सिग्नेचर, फोटो और जो भी पसंदीदा सिग्नेचर रहेगा वो सब आपके जो आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से आपका ये जो पैन कार्ड आपका मन पसंदीदा जो फोटो लगा हुआ, सिग्नेचर लगा हुआ आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको आपको एक महीने के अंदर अंदर आपको फिजिकल बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से आप बिना आधार OTP के आप नया पैन कार्ड बना सकते हैं और भी अपने मन पसंदीदा फोटो और सिग्नेचर के साथ इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज आपने जाना कि किस तरीके से बिना आधार OTP के पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है, बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से ये काम खुद से ही कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।